अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो ये तीन सीक्रेट आपको आज ही जान लेने चाहिए और अपने वीडियोस में अप्लाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड सही में यार, अगर आप इन तीनों सीक्रेट का यूज अपने वीडियोस में करते हो तो आपके वीडियो पर व्यूज 2x, 3x, 10x और भी न जाने कितने x होने वाले हैं। एंड सही में भाई, मैंने इन तीनों सीक्रेट का यूज अपने वीडियोस में करा और ये वाली वीडियो बनाया। वीडियो सीधा 25 के पार सिर्फ 10-15 दिनों में ही पहुंच गई। और भाई आप मुझ पर यकीन करो, इस वीडियो में मैं आपको कोई ऐसा वैसा सीक्रेट नहीं बताने वाला हूं। टैग अच्छे से लगा लो, टाइटल अच्छे से लिखो, डिस्क्रिप्शन भी बेस्ट होने चाहिए। आई प्रॉमिस, अगर मैंने इस वीडियो में कहीं भी टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करा, वीडियो को सीधा डिसलाइक मारना और कमेंट में 10 गालियां देकर जाना। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो बेशक आपको जान लेने चाहिए। यार पता है, आपके और आपके वीडियोस के बीच एक छोटी सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आते, लेकिन आखिर वो गलतियां हैं क्या? एंड यहीं पर बारी आती है सीक्रेट नंबर 1 की, तो इसके बारे में तो हम थोड़े से डीप में जाकर तो बात करेंगे ही, लेकिन स्टेप 2 काफी सिंपल और काफी छोटा है, तो पहले इसको फिनिश कर लेते हैं। अब ये बेस्ट इंट्रो हुक नाम सुनकर भाग मत जाना। चलो एक सवाल का जवाब दो। मान लो आप एक बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो और बढ़िया से टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और दुनिया के सबसे बेस्ट थंबनेल बनाकर आप उस वीडियो को अपलोड कर देते हो। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या वो वीडियो वायरल हो पाएगी? चलो वीडियो को पॉज करो और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दो। मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि हाँ यार, वो वीडियो तो वायरल हो जाएगी, लेकिन मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल गलत है। यार वायरल तो छोड़ो, उस वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज भी ला पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब शायद आप बोलोगे, यार कन्हैया तेरे 1000 सब्सक्राइबर क्या हो गए, तू कुछ भी बोलेगा और हम मान जाएंगे। और यार एक बात बता, अगर वीडियो अच्छी है और दुनिया के सबसे बेस्ट थंबनेल भी हमने बनाया है और वीडियो SEO भी परफेक्ट है, और तू बोल रहा है कि यार वो वीडियो वायरल तो छोड़ो, उस पर अच्छे खासे व्यूज भी नहीं आ सकते हैं, मैं नहीं मानता, तो कोई बात नहीं, आप मुझ पर यकीन मत करो, लेकिन प्रूफ पर तो यकीन करोगे ना। चलो इसका प्रूफ देता हूं। जैसे ये वाली वीडियो को देखो, ये वीडियो बेसिकली पावर वर्ड पर है, यानी कि इस वीडियो में बताया गया है कि अगर आप अपने थंबनेल के अंदर पावर वर्ड का यूज करोगे तो आपके वीडियो पर व्यूज ज्यादा आने के चांस रहेंगे। जैसे आप इस वीडियो को देखो और थोड़ा सा डीप में जाकर समझने की कोशिश करना। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपके वीडियो पर व्यूज आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाले हैं, वो है पावर वर्ड। अब वीडियो को पॉज करो और मेरी बातों पर थोड़ा गौर करो। जैसा कि इस वीडियो का इंट्रो हो कुछ इस प्रकार से था, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपके वीडियो पर व्यूज आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाले हैं, और वो है पावर वर्ड। क्या लगता है आपको, क्या इस वीडियो के लिए ये इंट्रो हुक बढ़िया था? शायद आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ यार, इंट्रो तो बहुत ही दमदार था। चलो मान लेते हैं कि ये वीडियो इंट्रो हुक बेस्ट है, लेकिन अब थोड़ा यहाँ पर सोचो, अगर इस वीडियो का इंट्रो हुक कुछ इस प्रकार से होता, मैंने अपने वीडियो में पावर वर्ड का यूज करा और मेरे वीडियो पर व्यूज बढ़ना स्टार्ट हो गया। पावर वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसको बड़े बड़े यूट्यूबर यूज करते हैं और उनके वीडियो पर व्यूज मिलियंस में होते हैं। चलो अब वीडियो को पॉज करो और जरा सोचो, इन दोनों इंट्रो में कौन सा इंट्रो हुक बढ़िया था और किस इंट्रो हुक को वीडियो में रखने से वीडियो ज्यादा एंगेजिंग लगेगी? ऑब्वियसली जो मैंने बोला है वो इंट्रो हुक थोड़ा सा ज्यादा एंगेजिंग था, और जैसा कि आप देख सकते हो कि इस वीडियो का थंबनेल भी बेस्ट है और SEO भी परफेक्ट है, लेकिन उसके बाद भी इस वीडियो पर व्यूज नहीं आए, और इसका एक सिंपल रीजन है, उस वीडियो का इंट्रो हुक अच्छा नहीं है। तो आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि वीडियो चाहे कितनी ही अच्छी हो, थंबनेल चाहे कितने ही बेस्ट हो, SEO चाहे कितनी ही परफेक्ट हो, अगर आपके वीडियो का इंट्रो हुक ही अच्छा नहीं है तो आपके वीडियो पर क्लिक्स भी आएंगे, आपका वीडियो सर्च में भी जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आएंगे, और यही रीजन है जो ये वीडियो अभी 300 व्यूज पर ही अटकी हुई है। सो ये तो हो गया वीडियो पर बहुत ज्यादा व्यूज लाने के लिए इंट्रो हुक कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आप अपना इंट्रो हुक बेस्ट बनाओगे कैसे? देखिए, जब भी आप अपने वीडियो के लिए इंट्रो हुक स्क्रिप्ट लिखते हैं, आप इमेजिन करिए, अगर ये वीडियो आपके सामने आता तो क्या आप इस वीडियो का इंट्रो हुक सुनकर इस वीडियो को पूरा देखते? और अगर देखते तो क्या ऐसा इंट्रो हुक है जिसको सुनकर आप वीडियो को पूरा देखते? जैसे चलिए मैं इस वीडियो का एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। अभी आप वीडियो को पॉज करो और अपने वीडियो के टाइमलाइन को देखो, 3 से 4 मिनट वीडियो के लगभग निकल चुके होंगे। सो अभी आप इस वीडियो के स्टार्टिंग में जाओ और वीडियो के इंट्रो हुक को सुनो। वीडियो में मैंने ऐसा क्या बोला जो इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हो? यार कन्हैया ये तो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है, यार कुछ शॉर्ट में तो बता जिससे हम अपने वीडियो के लिए बेस्ट इंट्रो हुक बना पाए और हमें ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़े। सो बताता हूँ। चलिए मान लिया कि आपने अपने वीडियो को बहुत अच्छा बनाया है, अब आपको क्या करना है, आपको उस वीडियो को बारीकी से देखना है और आपके वीडियो में जो भी बेस्ट पार्ट है या
फिर जो भी अट्रैक्टिव पार्ट है उस मोमेंट को कट करो और अपने वीडियो के स्टार्टिंग में लगा दो, बस बन गया आपके वीडियो का एक बढ़िया इंट्रो हुक। एंड इससे होगा क्या, जब भी आपके वीडियो पर कोई क्लिक करेगा उसे डायरेक्ट बढ़िया पार्ट ही मिलेंगे, यानी कि जो भी बढ़िया मोमेंट वाला पार्ट है उसे डायरेक्टली देखने के लिए मिलेंगे। एंड फिर आपका मेन पार्ट स्टार्ट होगा और उसी पार्ट को देखने के लिए वो वीडियो को पूरा देखेगा। चलो मान लेते हैं आपके वीडियो का थंबनेल बेस्ट है इसलिए आपने अपने वीडियो पर क्लिक करवा लिया, और ताकि आपके वीडियो का इंट्रो काफी एंगेजिंग है तो आपने अपने वीडियो पर ऑडियंस को रोक भी चुके हैं। एंड यहीं पर बारी आती है सीक्रेट नंबर 1 की। चलो मान लिया आपने अपने वीडियो के इंट्रो हुक से ऑडियंस को रोक लिया, लेकिन इंट्रो हुक खत्म होने के बाद आप अपने वीडियो में ऑडियंस को कैसे एंगेज रखोगे? तो देखो, ऑडियंस को अपने वीडियो में बनाए रखने के लिए आपको अपने वीडियो का फास्ट स्टोरी टेलिंग करना होगा। अगर आपके वीडियो का फास्ट स्टोरी टेलिंग होगा तो आपका वीडियो बोरिंग नहीं लगेगा और ऑडियंस को आपके वीडियो को देखने में मजा भी आएगा, जिससे ऑडियंस को ये लगेगा कि हाँ भाई, बंदे के पास नॉलेज है। यहाँ पर आपको करना क्या है, आप कम समय में लोगों को अधिक चीजें दिखाओ। आप अपने वीडियो में कम समय में कुछ ऐसी चीजें बता दो जो लोगों को डाइजेस्ट ना हो पाए। एंड जब लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा तभी तो वीडियो देखने में मजा आएगा यार। और अपने वीडियो में हाइप क्रिएट रखने के लिए आपको अपने वीडियो में टेक्स्ट का यूज बहुत ज्यादा करना है, और इतना भी ज्यादा नहीं कि भाई स्क्रीन भर जाए, लेकिन हाँ, आपको अपने वीडियो में टेक्स्ट का यूज करना ही करना है, क्योंकि इससे आपकी वीडियो देखने में एंगेजिंग लगती है। तो यार, मैंने एक साइट पर पढ़ा था कि ह्यूमन ब्रेन को टेक्स्ट बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आपका वीडियो बोरिंग भी है, अगर आप अपने वीडियो में टेक्स्ट का यूज करते हैं तो ऑडियंस का ध्यान सीधा आपके टेक्स्ट पर जाता है, जिससे आपके वीडियो बोरिंग होने की जगह पर इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखो भाई, अगर तुम्हें यूट्यूब पर सक्सेस करना है तो भाई इसे मजाक में मत लो, इसे सीरियस लो। जैसे लोग जॉब पर काम करते हैं वैसे आपको यहाँ पर तो काम करना ही होगा। आप अपने कैटेगरी के बड़े यूट्यूबर्स को देखिए कि वो अपने वीडियो को कैसे बनाते हैं, वो अपने वीडियोस में किस टाइप के फॉन्ट्स यूज करते हैं, वो अपने वीडियो में सस्पेंस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे वॉइस ओवर करते हैं। एंड जब आप इन सारी चीजों को एनालाइज करके आप अपने वीडियो को क्रिएट करोगे तो यार यकीन मानो आपकी वीडियो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होने वाली है। सो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, यहाँ पर आप YouTube एल्गोरिदम को समझिए, YouTube आखिर काम कैसे करता है। देखो, YouTube एक क्रिएटर से यही चाहता है कि जो भी क्रिएटर्स की वीडियो है वो वीडियो जब ऑडियंस के सामने जाए तो ऑडियंस उसको पूरा देखे, यानी कि उस वीडियो का वॉच टाइम अच्छा दे। एंड जब ऑडियंस किसी वीडियो को ज्यादा देर तक देखती है तो इससे YouTube को लगता है कि यार ये वीडियो तो अच्छी है, तभी तो इस वीडियो को लोग ज्यादा देर तक देख रहे हैं, और वो तुरंत आपके वीडियो का इंप्रेशन बहुत लोगों के पास भेजना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यार ये वीडियो तो अच्छी है और अगर हम इसे ज्यादा प्रमोट करेंगे तो इससे हमारा ही फायदा है, यानी कि इस वीडियो पर व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे, तो इस वीडियो पर एड्स भी बहुत ज्यादा आएंगे और इससे हमारी अर्निंग भी बहुत ज्यादा होगी। एंड यूट्यूब आपसे यही चाहता है। एंड इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने वीडियो को बनाने से पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखो, इससे आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। अब यार, यहाँ पर आप एक बात समझिए, अगर यूट्यूब सारी वीडियोज को प्रमोट करने लगे तो क्या यूट्यूब कचरे से नहीं भर जाएगा? आप खुद ही सोच कर देखो यूट्यूब का क्या हाल होता। एंड इसीलिए यूट्यूब फाइनली ये डिसाइड करता है कि किसी भी वीडियो का पहले वो वॉच टाइम देखेगा, अगर उस वीडियो पर वॉच टाइम अच्छा खासा आया तो उस वीडियो को आगे भेजेगा, अदरवाइज उस वीडियो को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। अब मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आप YouTube पर वीडियोज मत बनाइए, बल्कि यहाँ पर आप जॉब की तरह काम करिए। आप अपने वीडियो को बनाने से पहले उस वीडियो को रिसर्च करिए। आप सोचिए कि आपके वीडियो का जो आज टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज हैं, तो आपकी वीडियो को कौन देखेगा? आप अगर उस वीडियो में कुछ यूनिक नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो को कौन देखेगा भाई? एंड जब आप ये फाइंड कर लेंगे कि हाँ भाई, मेरे वीडियो में ये यूनिक है, मेरी वीडियो यहाँ पर अच्छी खासी परफॉर्म करने वाली है, आप अपने वीडियो को बनाने से पहले एक एक सेकंड सोचिए कि मैं एक सेकंड के लिए ऑडियंस को कैसे रोकूं। आप अपने वीडियो का हर एक सेकंड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बनाइए, बहुत ज्यादा बेस्ट बनाइए। एंड जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे आपके वीडियो पर जेन्युइन तरीके से बहुत ज्यादा व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरा वीडियो तो बेस्ट है लेकिन मेरे वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं, इसका क्या रीजन है? तो देखो भाई, मैं इसके लिए आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आज आपके वीडियो पर भले ही व्यूज नहीं आ रहे हैं, आपका अगर कंटेंट बढ़िया होगा तो आप 110% ग्रो करेंगे ही करेंगे, और आपका कंटेंट अगर बेस्ट होगा, बढ़िया होगा, महत्वपूर्ण होगा लोगों के लिए, तो आप 6 महीने नहीं 3 महीने काम करके देखिए, आपका चैनल फाड़ देगा भाई यूट्यूब पर। एंड अगर आप इन तीनों सीक्रेट को अच्छे से अप्लाई करते हो अपने वीडियोज के अंदर और आपके वीडियो पर व्यूज ना आया तो मैं कहता हूँ यार, कमेंट में गाली लिख देना, अब इससे ज्यादा मैं क्या ही कह सकता हूँ भाई। एंड अगर आप इसे और भी डीप में जानना चाहते हो कि आखिर आप अपने वीडियोस पर व्यूज कैसे ला सकते हो, तो राइट वाले वीडियो को क्लिक करके देख लेना। इस वीडियो में मैं यूट्यूब का पूरा एल्गोरिदम बता दिया हूँ कि आखिर आप अपने नए चैनल पर व्यूज कैसे बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।